सब्सक्राइब कीजिए द एंड्रॉयड गाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, ये अनबॉक्सिंग है सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस का, जो 4GB और 64GB इंटरनल के साथ आता है। तो इस बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, पहले आप इस पॉलीथीन को हटाएं और इस पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस तरह से आपको एक पॉलीथीन में आपको रैप मिलेगा ये बॉक्स, और यहाँ पे आपको कुछ कोड मिलेगा, IMEI नंबर मिलेगा इसमें आपको। और ये इसमें आपको देख सकते हैं 1GB का एक फ़ोन मिलता है, एक अडेप्टर मिलता है, एक चार्जर मिलता है इस फ़ोन में। तो और हेडफोन भी इसमें अवेलेबल है और क्विक स्टार्ट गाइड भी है। और इस फोन में आपको डबल कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 24 मेगापिक्सल का, और इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलता है। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिलता है, जो काफ़ी बेटर रहा है। बट इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 26,000 रुपीज़ का ये आपको अवेलेबल होता है। और इसको आप खरीदने समय आप कोई भी ऑफलाइन अगर जाते हैं शॉप में और वहाँ से आप अगर पेटीएम से पे करते हैं तो आपको 3,000 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आपको विद इन 7 डेज। तो आप उसको भी आप ले सकते हैं। अगर आप पेटीएम से पे करेंगे तो आपको 3,000 रुपीज़ का सेविंग होगा, तो आपको ये फ़ोन 23,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने ब्लू कलर का लिया, इसमें डबल कैमरा और नीचे जस्ट आपको मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर और इधर वॉल्यूम रॉकर बटन मिलते हैं दो, और नीचे की तरफ आप चार्जिंग स्लॉट मिलता है और वहीं पर आपको मिलता है हेडफोन जैक, 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है। और इसके बॉक्स के अंदर आपको किक स्टार्ट गाइड मिलता है, और इसके अंदर आपको मिलता है आप देख सकते हैं बहुत सारे हिंदी इंग्लिश भाषा में मिल जाता है ये। और इसमें आपको मिलता है डाटा केबल, जो वही सैमसंग का स्टैंडर्ड डाटा केबल जो आता है वही है। और इसमें आपको देख सकते हैं 2.5 का है, और ये देखिए आपको हेडफोन मिलता है वही सेम, 26,000 के फ़ोन में भी आपको वही हेडफोन मिलता है जो आपको 2,000 के हेडफोन में मिलता है। और इस चार्जर है ये 5 वोल्ट का है, और जिसमें आउटपुट आपको मिलता है 1.6 का, जो ये आपको स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है। और ये आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जिससे आप सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो फोन को रिबूट करते हैं, चलते हैं फोन को रिबूट करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A6 प्लस है, और जो सिक्योर्ड बाय नॉक्स है, तो नॉक्स काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, जिससे आपका फ़ोन हैक नहीं हो सकता है। बहुत ही बेटर इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने फ़ोन को सिक्योर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिलता है ऑप्शन ये। तो मैं इस रैप को हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे कि क्या है इसका। तो फिजिकली ये बहुत ही मेटल बिल्ड है, इसमें आपको मिलता है प्लास्टिक का ये बैक नहीं है, ये मेटल बिल्ड है। और फ्रंट आपको मिलता है बहुत ही अच्छा 5.69 इंच का इसका स्क्रीन है, तो बहुत ही बेटर इसका स्क्रीन साइज़ है, बड़ा है। और ये 18:9 रेशियो पे बेस्ड है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो एंड्रॉयड स्टार्टिंग आपको लिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए हे देयर, तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई फर्स्ट रिबूट में मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट पे जाइए, तो स्टार्ट पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा लैंग्वेज, तो इंग्लिश में यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया हूँ। और उसके बाद आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो करिए, नहीं तो नेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का, तो आप एग्री कर दीजिए सारा, आई हैव एग्री रीड एंड एग्री ऑल दिस अबव, तो एग्री करिए। और एग्री करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन में, जस्ट अ सेकंड आपको ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आपको टाइम और डेट सेलेक्ट करना होगा, तो इसमें सिम नहीं लगा है तो आप टाइम और डेट बाद में सेलेक्ट करना। और नेम आपको फ़ोन में जिसका जिस के नाम पे फ़ोन है उस पर आपको नेम लिखना होगा, तो यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ मैं। तो नेम लिखने के बाद आप नेक्स्ट करें, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है फिंगरप्रिंट का, फेस का, पासवर्ड, पैटर्न, फेस रिकॉग्नाइजिंग, नो थैंक। तो मैं अभी कोई पैटर्न नहीं रखा, कोई लॉक नहीं रखा हूँ, तो स्किप एनीवे करता हूँ। तो फिर आपको मिलता है गूगल सर्विसेज का कुछ टर्म एंड कंडीशन, तो इस सारा को आप एग्री करिए। और एग्री करने के बाद ये प्रोसेसिंग हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन इन योर गूगल सैमसंग अकाउंट, अगर आप सैमसंग अकाउंट नहीं बनाया तो आप बना लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं स्किप करता हूँ। और स्किप करने के बाद फिनिश पे जाएंगे, तो इस तरह से ऑल डन का आपको एक मिलेगा पॉपअप। और यहाँ पे आप देखिए इस तरह से इसका इंटरफेस मिलता है, जिसमें आपको कॉर्नर्स कर्व मिलते हैं, तो काफ़ी बेटर इसमें आपको कॉर्नर्स मिलते हैं देखने को। और इसका स्क्रीन सुपर एमोलेड स्क्रीन है, और ये आपको भी ओरियो पे रन करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अबाउट फोन में जाइए, और अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पे नीचे जो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, स्टेटस, लीगल इन्फॉर्मेशन जो मिलते हैं, तो आपको उसमें सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड्रॉयड वर्जन देखना हो तो यहाँ देखिए ओरियो पे ये बेस्ड रन कर रहा है, तो इसमें आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है ओरियो। और ये पी में भी, एंड्रॉयड पी में भी आपको इसका अपडेट मिल जाएगा।
जब ये ऑफिशियली लॉन्च होगा एंड्रॉयड पे तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट व्यू का ऑप्शन आप इस फोन में मिल जाता है, और इस फोन में आपको डॉल्बी का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप अपने म्यूजिक को अगर हेडफोन में सुन रहे हैं या आप म्यूजिक प्लेयर में सुन रहे हैं तो डॉल्बी सपोर्ट भी इसमें है, तो जिससे आप अपने म्यूजिक को काफी अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसमें आपको गूगल असिस्टेंट के अलावा एक और असिस्टेंट जो आता है सैमसंग का बिक्सबी, वो भी इसमें अवेलेबल है, जो अभी इंडिया में तो काफी बेटर इसमें रन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको शायद एक नेक्स्ट अपडेट या मिले या सैमसंग की तरफ से कुछ अपडेट मिले जिससे आप इसको यूज कर सकें। धन्यवाद।